बड़ा स्टोर में आ गया है नया तूफान, जहां पर अब घर वालों तक पहुंचेगी बर्थडे के दिन ही शिवा की मौत की खबर। देखने को मिलने वाला है कि बस का एक्सीडेंट हुआ है, ये खबर यहां पर मोहल्ले वाली जाकर सुमन को और पूरे परिवार को देती है, जिससे कि रावी बुरी तरह से बिखर जाती है और रुबुरा कर लेती है अपना हाल रो रो कर। वहीं मामी इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करती है और कहती है रावी को कानों में यहाँ पर भड़का देती है और कहती है कि तेरी वजह से उसके साथ ये हादसा हुआ है और तू उसके लिए पनौती हो। रावी पहले से पनौती सोच रही होती है और इसी के चक्कर में यहाँ पर और भी उल्टे दिमाग में सोचने लगेगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखने को मिलेगा किस तरह से शिवा को ढूंढने के लिए क्रिश और गौतम भागते हैं, लेकिन उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता और पुलिस से उनकी झड़प हो जाती है। देखने को मिलेगा कि यहाँ पर गलती से किसी और के पास में शिवा का सामान मिलेगा और यही वजह होगी कि उन्हें लगेगा कि शिवा की मौत हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिलती है, यानी अभी भी पुलिस तलाश करने में लगी है कि शिवा जिंदा है या नहीं। तो वही यहाँ पर रावी को तो पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और शिवा जिंदा जरूर लौट कर आएगा, और ऐसा ही होगा, शिवा जिंदा लौट कर आएगा।